अलीगढ़ में आवारा कुत्तों ने एक बार फिर दर्दनाक घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कुत्तों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ओपीडी गेट के सामने बने पार्क के अंदर मृत पड़े दो नवजात बच्चों को अपना निवाला बनाते हुए पार्क में घसीटते हुए ले गए। बताया जा रहा है कि 4 महीने के मृतक नवजात बच्चे लड़का लड़की के शवों को आवारा कुत्तों के द्वारा पार्क में अपनी भूख का निवाला बनाए जाते देख मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस पूरी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक टीम सहित मृतक बच्चों के परिवार के परिजनों द्वारा इंसानियत को शर्मसार कर दोनों मृतक मासूम बच्चों को बारिश के चलते मेडिकल कॉलेज के पार्क में कपड़ों में लपेटकर फेंक दिए जाने की सनसनीखेज घटना के बाद जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं कुत्तों के द्वारा दोनों मृतक बच्चों को अपना निवाला बनाए जाने के मामले सामने आने के बाद इलाका पुलिस फोर्स आनन-फानन में मौके पर पहुंच गई और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आवारा कुत्तों के द्वारा दो नवजात बच्चों को पार्क के अंदर अपना निवाला बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पार्क में मृतक नवजात बच्चों को देखकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते पार्क में पहुंचे और मृतक बच्चों को अपना निवाला बनाते हुए खींच ले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा दर्द विदारक घटना को देखते हुए अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुई लापरवाही की सनसनीखेज घटना के बाद जहां एक और मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं दो बच्चों को आवारा कुत्ते द्वारा पार्क में नोच नोच कर खाए जाने के मामला सामने आते ही कोतवाली सिविल लाइन्स इंस्पेक्टर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? गबाना की। क्या हुआ था? लड़की के जो बच्चे है। क्या नाम है लड़की का? मीरा। अच्छा, कितने बच्चे हुए? 6 महीना के। 6 महीना के? 6 महीने पे डिलीवरी हुई। हाँ। अच्छा, बाकी खून ना हुई। अच्छा, तो डिलीवरी ना करवा दी, आई मैं आई खून चढ़ा दी। अच्छा, बच्चा के छोरी के और छोरी में ना खून तो डिलीवरी है वही छोरी। तो दो बच्चा बहिला, एक लड़का एक लड़की। हाँ। फिर क्या हुआ? दो छह ग्राम और एक पाँच ग्राम बालक नेगा से। मेडिकल के डॉक्टरों ने बच्चे सौंप दिए थे तुम्हें? हाँ, सौंप दिए। फिर क्या किया तुमने उनका? मैंने कहा जे करो बारिश पड़ रही। हाँ। तो लड़की के खून चढ़ावे की लगत के और जैसे छुरी एकदम उनको नाल लटक गई, बाकी हाथ पाँच फेंकर लगी, बाकी उनको काट दी पुर्ती कैंची थे नंगी है गई लोहिया। अब मैं घबरा गई, छोरी नार पकड़ के नहीं आई थी तक लटे गई आँखें लोड़िया, बाकी ऑक्सीजन फ्रीजन सब निकाल दी। अम्मी बोली मैंने कि अम्मी तो यहाँ कोई हतो ना आए, वो बोली कि तुम जल्दी जा और अपने कुल्ला सब में लगाए थे। मैं तो बोली अम्मा जा समेट हो जाए पहले ना थी, मैं बस समेट भी लग गई समेट के और मैंने कोई यूँ ना कही मैं माइन धर आऊँ, मैं बोने लेके मैं यूँ करके भागी चली आई। मैं एकदम घबरा के मैं बोली मैंने कि मेरे जाने कहाँ गए कहाँ ना गए, और मैं तो छोरी ना लेके आए मैं छोरी मरी और झट जी मेहमान मिले वो मुँह से मैंने जी मेहमान पकड़ लो मैंने कि मेरी लौड़िया गई अपना मैं छुई मैं कहने बच्चन ने माँ धर के मैं बोली मैं तीन ले जाऊँगी जिन्हें उठाई के बच्चन ने ले के मैंने मैं माँ धर के और से मैं बोली मैंने कहा अब मैंने जाके बाँ पकड़ लिया मैंने कहा मैं छुरी ना हाथे अब। तो तुमने वहाँ लोन में बच्चों को दोनों को रख दिया था? हाँ। क्यों रख दिया? मैंने यही बात कह था दो तो मैं फिर ले जाऊंगी उठा के दिन। अच्छा। हाँ। कब रखा? आज? हाँ आज ही। किस समय? ऐसे कोई 10-11 के टाइम। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करी आपने? अब बाबू जी मैं इतना जानते ना मैं घर आई गई पढ़ी लिखी इतना घमा रहा हूँ। तो आपके साथ कितने लोग आए हुए थे इलाज के दौरान? कितने लोग का जे आयो मेहमान मेरे संग। कौन है क्या नाम है? हरिओम। और हरिओम ही है। अच्छा। तो दो लोग आदमी थे आप, फिर भी आपने बच्चों को क्यों छोड़ दिया? बच्चों को मैं जे बता करेंगे इसलिए छोड़ दिया। मैंने कि मैंने कह रही मैंने कि मैं छोड़ दिया बचा जल्दी। छोरी कैसी है? छोरी अब खून चढ़ रहा है वहाँ पे, छोरी के सीरत में हालत है वापी जा।